तो दोस्तों सीधे हम बात करने वाले हैं NHPC लिमिटेड कंपनी के बारे में और हम यहाँ पर करेंगे NHPC का वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से मॉडल लेवल्स है जो हमें NHPC के अंदर ध्यान में रखने हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो टारगेट्स क्या बनने चाहिए। सो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर NHPC की, तो कंपनी के क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट्स है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं एंड नंबर्स के अंदर हमें क्लियरली जो है वो प्रॉफिट्स के अंदर 16% के अराउंड की गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली है। सो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पर ये आ रहे कि क्या अब ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि जब प्रॉफिट कम होता है तो वैल्यूएशन क्या होते हैं अपने आप बढ़ जाते हैं एंड जब प्रॉफिट बढ़ता है तब क्या होता है कि वैल्यूएशन जो पी रेशियो बोलते हैं वो अपने आप यहाँ पर कम हो जाता है। ये वाइस वर्सा चलने वाली सिस्टम है। सो अब वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो चुके हैं तो क्या NHPC को यहाँ पर बाय करना चाहिए या फिर नहीं, और लेवल्स जो है वो अभी फिलहाल के लिए क्या कहते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अब पहली चीज़ कि यहाँ पर हमें नंबर्स इतने ज़्यादा भी ख़राब देखने को नहीं मिले। नो डाउट इनकम भी कम हुआ है सामने, एक्सपेंसेस भी कंट्रोल्ड है, बट अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट भी जो है वो यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिला है और वो एक कंसर्निंग साइन है। बट देन टू हम अल्टीमेटली फॉलो किसको करेंगे, तो वो रहेंगे हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंगली। जब तक NHPC 90 से लेकर 92 रुपीज़ के ऊपर है ये ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद ये जो रीटेस्ट जोन है जब तक उसके ऊपर है तब तक के लिए आप अपना व्यू जो है वो यहाँ पर बुलिश रख सकते हो। एंड अगर मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो NHPC भी आपको अल्टीमेटली ऊपर ही बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए आप थोड़ी सी होप इससे यहाँ पर कम कर दे कि ये काउंटर जो है वो आउट परफॉर्म करेगा, कर सकता है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई बड़ी पॉजिटिव सेक्टर के ऊपर न्यूज़ चाहिए। सो बेस्ट बाइंग लेवल्स क्या रहेंगे, 90-92 फर्स्ट। अगर उसके भी नीचे काउंटर निकल गया तो फिर वेट करना है, 80 से लेकर 75 का प्राइस आपको मिल जाएगा, तो वहां पर भी जो है वो आप खरीदारी कर सकते हो। अपमू के लिए NHPC शुड एनी हाउ क्रॉस एंड सस्टेन अबाउ द लेवल्स ऑफ 100-104-105। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो डेफिनेटली काउंटर अगेन अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई 115-116 तक भी यहाँ पर जो है वो अप्रोच जरूर करेगा। सो ये की इंपॉर्टेंट लेवल्स है और ये स्ट्रेटेजी है जो आपको NHPC के अंदर फॉलो करनी है।